हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अध्ययन करेंगे। थॉमस, ये देखो, अब ये पापड़ इस तरह के बेलनाकार सिलिंड्रिकल डिब्बों में उत्पादित किए जाने लगे हैं। चलो हम एक खेल खेलते हैं। यदि तुम मुझे ये बताओगे कि इस डिब्बे में पापड़ कितनी जगह ले रहे हैं, तो मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। और यदि तुम इसका उत्तर नहीं दे पाओगे, तो तुम मुझे एक टॉफी दोगे। ठीक है, मैं हार गया। हम इसका उत्तर कैसे ढूंढ सकते हैं? इसका उत्तर तो हम गणित द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये गणित का समय है। देखो थॉमस, मान लो इस बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई h है और इसके आधार और शीर्ष के सतहों की त्रिज्या r है, जो हर पापड़ के त्रिज्या के समान है। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस डिब्बे में कितने पापड़ रख सकते हैं? यदि हम पापड़ की ऊंचाई, जो कि ना के बराबर है, उसे एक इकाई मान लें, तो हम ये कह सकते हैं कि डिब्बे की ऊंचाई कुल पापड़ की संख्या के बराबर है। बिल्कुल ठीक। और थॉमस, ये तो तुम जानते ही हो कि जितनी जगह ये पापड़ इस बेलनाकार सिलिंड्रिकल डिब्बे में लेते हैं, वो इस डिब्बे की क्षमता कैपेसिटी के बराबर है। अब बताओ, एक पापड़ इस डिब्बे में कितनी जगह लेता है? एक पापड़ इस डिब्बे में जितनी जगह लेता है, वो उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर हम पापड़ की ऊंचाई, जो कि ना के बराबर है, को नजरअंदाज करें, तो पापड़ एक वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या आर है। शाबाश थॉमस, अब बस हमें एक पापड़ के क्षेत्रफल को कुल पापड़ की संख्या से गुणा करना होगा और हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि सारे पापड़ इस बेलनाकार डिब्बे में कितनी जगह ले रहे हैं। मानस, देखो, डिब्बे द्वारा घेरी गई जगह उसके आयतन वॉल्यूम के बराबर है और कुल पापड़ द्वारा घेरी गई जगह डिब्बे की क्षमता कैपेसिटी है। अब क्योंकि डिब्बे की मोटाई ना के बराबर है, हम ये कह सकते हैं कि डिब्बे के अंदर कुल पापड़ द्वारा घेरी गई जगह या डिब्बे की क्षमता कैपेसिटी डिब्बे द्वारा घेरी गई जगह या उसके आयतन वॉल्यूम के बराबर है। दूसरे शब्दों में, इस डिब्बे की क्षमता कैपेसिटी डिब्बे के आयतन वॉल्यूम के बराबर है। बिल्कुल ठीक। और अगर हम गौर से देखें, तो पाएंगे कि एक पापड़ का क्षेत्रफल तो इस डिब्बे के आधार के क्षेत्रफल के बराबर है। इसलिए हम बेलन के आयतन के सूत्र को इस तरह उसके आधार कर ऊंचाई के गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं। चलो मैं इन्हें जल्दी से अपनी गणित की सूत्र पुस्तिका में लिख लेता हूँ। हर पापड़ की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और डिब्बे की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। और जैसा कि हमने पहले देखा कि कुल पापड़ द्वारा घेरी गई जगह डिब्बे की क्षमता कैपेसिटी है। अब क्योंकि डिब्बे की मोटाई ना के बराबर है, हम ये कह सकते हैं कि डिब्बे के अंदर कुल पापड़ द्वारा घेरी गई जगह या डिब्बे की क्षमता कैपेसिटी डिब्बे द्वारा घेरी गई जगह या उसके आयतन वॉल्यूम के बराबर है।
दूसरे शब्दों में इस डिब्बे की क्षमता कैपेसिटी डिब्बे के आयतन वॉल्यूम के बराबर है। चलो मैं इन संख्याओं को बेलन के आयतन के सूत्र में लिखकर इसे हल कर लूं। इस तरह हल करने पर हमें ज्ञात हो गया कि सारे पापड़ इस डिब्बे में 704 सेंटीमीटर घन जगह ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में इस बेलनाकार डिब्बे की क्षमता कैपेसिटी 704 सेंटीमीटर घन है, और क्योंकि डिब्बे की क्षमता कैपेसिटी डिब्बे के आयतन वॉल्यूम के बराबर है, हम कह सकते हैं कि डिब्बे का आयतन वॉल्यूम 704 सेंटीमीटर घन है। चलो थॉमस, अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चले, तुम्हें मेरे लिए टॉफी भी तो खरीदनी है। इस वीडियो में आज हमने बेलन की क्षमता कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर और आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अध्ययन किया। हमने सीखा, एक, बेलन की क्षमता और आयतन क्या होता है। दो, बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।